हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रजवासी ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, मसूरी, जिम कॉर्बेट और ऋषिकेश। तो काफ़ी टाइम बाद एक ब्लॉग आने वाला है, और थोड़ा बिजी था मैं इधर उधर काम में, तो मैं बना नहीं पाया और ना मैं रेगुलर रह पाया, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। कोशिश करूँगा कि मैं सही से फिर से स्टार्ट कर पाऊँ और रेगुलर रहूँ, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो उसके लिए अभी मैं छत पे आया हूँ थोड़ा सा मौसम देखने के लिए। काफ़ी टाइम बाद हम लोग भी निकल रहे हैं। तो एज यूजल मैं तो टी शर्ट, निक्कर और शूज में निकल लिया हूँ। ज़्यादा कपड़े में ले जाना पसंद नहीं है। टी शर्ट लोअर डाल लो, बस निकल लो। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं और नज़ारे देखते हैं वहाँ पे, और डेस्टिनेशन देखते हैं कि क्या क्या है। देहरादून में सहस्त्र गंगा भी जाने का प्लान है, तो जाते जाते रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ भी होके हम लोग आएंगे। जाने से पहले की पेट पूजा, चार पांच पराठे पे लिए सुबह सुबह से। ड्रामा मत करे मेरे संग, मैं मत करे, मैं खाऊंगी तो दिखाएगा सब कुछ। रानना तांग्या, तांग्या। फेस कहाँ गायब है? अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी टोल टैक्स पड़ेगा क्या? अभी वो हरिद्वार वाला हाईवे दूसरा है, इसके अलावा पड़ेगा वो बीच में। हम लोग आए हैं मेरठ रोड पे, यहाँ पे खाना पीना और वॉशरूम यूज करने के लिए। उनसे कह रहा हूँ वो जो है, देखो ये टकड़े ये मेरा व्यू है। स्ट्रगल स्ट्रगल कष्ट नगरी, कष्ट लेती देवभूमि। क्या बनाऊं? टनल टनल क्या बनाएगा? वही मैं तुझसे बोल रहा हूँ, एक टनल है। ये घंटा घर हर जगह पे एक एक है, हमारे मथुरा में होली गेट पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। देखो देखो घूमने मेट्रो स्टेशन जा बन रहा है। ये चढ़ाई जान निकाल, ये क्या चढ़ाई है? ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी चढ़ाई पे आ गए हम। ज्यादा चढ़ाई ना जो दिखती है ना, जो दिखती है वो खड़ा है। रॉन्ग आए ये भैया, रॉन्ग साइड आ गए, तो यहाँ से फिर वापस कर लेंगे। ये भी तो वापस जा रहा है। नीचे वाले को जानो, नीचे जानो ना, यही तो नीचे भैया। निकाल निकाल यार, तू काहे को खड़े हो? तू तो यहीं को निकल है। एक बार बाइक ते जाऊं मैं आंटिया। कौन सी बाइक ते आओ? वो पे बुलेट है, कोई ना कोई इसी तो यहाँ लेके आ रहे भाई। बुलेट बढ़िया चले, मैं भी आऊंगा बाइक से। भाई मन फावन चढ़ाई भाई, तने तो कर दई। पहाड़ों की रानी तो बुलेट ही है। अरे आप क्या ही बोलो, तुम जो चलती है वहां की तार भाई, तो तार पे चल दी 2 किलोमीटर हो रहे। वो आई मुझे क्या हुआ, झटके ले लिए भाई सब। कितनी देर में पहुंचवा रहे? 300। हम लोग आ गए हैं माल रोड पर, जूते देखते हैं क्या क्या माल है। अरे यहाँ कहीं देखे थे मैंने भाई, ये स्नीकर्स। अरे रुक जाओ भाई, भीड़ है यहाँ पे।
रुक जाओ, वो धीमे धीमे आते हैं, तुम लोग आगे चले जा रहे हो। कितनी भीड़ है भाई साहब, भीड़ तो भाई साहब बहुत है यहाँ पे, लेकिन ये मनाली और शिमला से ज्यादा भीड़ है इधर। ड्राइविंग है, चलो यार, बाल कितना भी सही कर लो ये बिगड़ ही जाते हैं। चलो आगे, फोन कर लूंगा ना, फोन नंबर है उनका मेरे पास। चलो क्या देख रहे हैं बोटे बंदाओ, क्या देख रहे हैं, इधर देखो क्या देख रहे हैं, क्या कुछ न्यू न्यू चीज दिखाई दे, देख लो न्यू न्यू चीज। चश्मा लेना है, चश्मा पीछे ना, ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रांड के कॉपी मिल रही थी, लेकिन वो भी बहुत महंगे थे भाई, 1500 रुपए के थे यार वो, कैसे 1500 नहीं 2500 2500 से ऊपर हैं सब। अभी एक और हमें छाती पे लेके आ जाए भैया, ब्रेक में लूज आएगी तो वो छाती पे चढ़ा देगा। अभी और चढ़ के जाना है ऊपर, जलेबी ये हमारी कार ड्राइविंग मजा आ रहा है, लाइट पे ज्यादा जन्म क्लियर दिखेंगे ये तो, कल आएंगे कल देखेंगे यहीं पे। हम लोग आ गए हैं होटल प्राइड आसियाना, ये लाइब्रेरी चौक पे होटल है। और मैं एक फनी बात बताता हूँ, लोगों के होटल आपने सुने होंगे कि कितनी मंजिल पे जाना है, थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, लेकिन हमने यहाँ पे आके देखा है कि हमें थर्ड मंजिल पे नीचे जाना है बेसमेंट में, पहली दफ़ा यहाँ पे देखा है। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको रूम इसका, बहुत बढ़िया ये लिफ्ट है, ऊपर से हम लोग नीचे आए हैं। ये होटल हटो, लाइट कहाँ से आएगी, ये चलाऊंगा लक्की लगाऊंगा तभी तो आएगी। ये अंदर आते ही वॉशरूम, ड्रायर मिला है यहाँ पर, और ये सारे बेसिक किट मिली है हमें डेली नीड्स के हिसाब से। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, टॉवल मिली हैं, गीजर है यहाँ पे, शावर हेड है, तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम है यहाँ पे। और अगर ये मैं अलमीरा दिखा देता हूँ यहाँ पे सामान रखने के लिए, एक ये बड़ी वाली है, हैंगर वगैरह भी मिले हुए हैं, दो ये तीन, यहाँ पे ये लॉकर भी मिला हुआ है, ये ऊपर भी कुछ अलमीरा यहाँ पे है। ये आपको बड़ा सा शीशा मिल जाएगा यहाँ पे अपने आप को देखने के लिए। तो और ये यहाँ पे पानी की दो बोतल डेली के हिसाब से वो लोग देते हैं, बाकी आप और ले सकते हो। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी सब कुछ है, गर्म पानी करने की केटल है, टीवी है, और ये बेड, डबल बेड, ये यहाँ पे काउच सोफे पड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा रूम है, एसी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये रूम ठंडा रहता है यहाँ का मौसम के हिसाब से, और हीटर यहाँ पे दे रखा है, अगर ज़रूरत पड़े तो हीटर आप यूज़ कर सकते हो। मेरा होटल का रूम काफ़ी अच्छा लगा आके, और कॉस्टली है बट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेन क्या रहता है कि गाड़ी से आना जाना वो कम्फर्टेबल हो आपका सफ़र, और आपका रहना और खाना, तो बाकी कुछ ज़्यादा मैटर करता नहीं है। साइट सीइंग वगैरह यहाँ पे देखने के लिए हम लोग कल जाने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये
खाना वाना खाने जाएंगे यहाँ पे, तो लेट हो गए थे इस वजह से हम लोग बुफे जो लगा था वहाँ पे हम नहीं आ पाए, तो उन्होंने खाना लगवा दिया है। सब्जी आप बोल सकते हो या फिर जो भी वो लोग अपने हिसाब से कर देंगे, दाल पनीर दो तीन सब्जियाँ मीठे में कुछ भी जो भी है। तो ओवरऑल जो भी फैसिलिटी है यहाँ पे स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है। होटल का नाम है प्राइड आसियाना। यहाँ से बाहर निकल के एक गार्डन टाइप का है जहाँ से बैठ के, जहाँ पर बैठ के आप चाय वाय पी सकते हो और नज़ारे देख सकते हो। वो मैं आपको दिन में दिखाऊँगा होटल का, क्योंकि रात हो गई तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, अंधेरा हो रखा है। और चलिए मिलते हैं कल आपसे, कल और भी चीज़ें दिखाऊँगा मैं आपको। बाय बाय, गुड नाइट। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम लोग जगे हुए हैं। सुबह की बैटरी मैंने खुद बनाई है, भाड़ बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। हाँ तो हमने बनाई है भाई, तो इसमें क्या हमने बनाई है, ये क्या? अरे बात एक ही है ना, लेकिन बनाई तो हमने खुद ही है ना। गलत, होटल वालों ने थोड़े ना दिए। अभी होटल वालों का ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ना अभी। ये देखो पूरा खत्म कर दिया इनने अपना बॉक्स। नहीं मेरे पास रखे हैं, कहाँ है? लेकिन मसाला टी और जो काम की चीज है वो खत्म कर दी है। लेकिन उसका नाम भी लेगा गया, उसने मेहनत करके बनाई है। चीनी वाले खत्म हो गए, चीनी तो है उधर, चीनी शुगर फ्री। हाँ ताई जी सही बोल लेंगे, आप नाम नहीं लेते, आप क्रेडिट नहीं देते। नाम क्रेडिट दिया तो है क्रेडिट। ऐसा भी तो कोई भाई हो किसी का कि बना के बड़े भाई को पिलाए अच्छे से। देख लो ढक दो ताई जी, पीने लेंगे, ठंडी हो गई। मैं पी रही हूँ, मेरी ठंडी हो जाएगी नहीं तो तुम्हारे। मसाला टी चीनी डाल दी ना ताई जी की, मैं फीकी लगे। मेरे में डाल ही क्या? डाल दी भाई, डाल दी। ऐसा अगर अपना रूम हो ना, अपना घर ऐसा हो तो मजा नहीं आएगा। अरे इसी में बड़े हुए हैं, चलो फिर कहीं चलते हैं। तो पैसे खर्च करके कहीं जाने का बड़ा आनंद आता है, वैसे नहीं आया कुछ भी, चाहे अपना घर कितना भी लग्जरी क्यों ना हो, लोग इधर उधर जाते रहते हैं। यहाँ कुदरती एसी चल रहा है। मैं दिखाता हूँ बाहर कैसा है, ये गेट और यहाँ से बैठने के लिए भाई, और यहाँ से छोटी सी बालकनी टाइप, छोटी सी बालकनी की टाइप, कोई और जा सकते हैं, यहाँ घुस सकते हैं। इधर से दूसरा इंटरकनेक्टेड रूम है, इंटरकनेक्टेड रूम, ये यहाँ पे बैठ सकते हैं। हे गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं नहा के एकदम रेडी हूँ। तो अब हम निकलने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बुफे लगा हुआ है और उसके बाद जाएंगे इधर उधर और कुछ स्पेशल जगह हुई देखने के लिए, क्योंकि मसूरी में ज़्यादा कुछ हमें लगा नहीं, बस ये यहाँ का माहौल। यहाँ मसूरी अपने आप में ही अच्छा लगता है, इतना ऊपर चढ़ने के बाद में एक अजीब सा एक्सपीरियंस होना। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ये सब समझोगे साइट सीइंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, नहीं। ठीक है, मेन करके हम लोग अभी निकलने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में मज़ा आएगा भाई दोस्तों, तो चलिए फिर ऋषिकेश में मिलते हैं। और ये देख रहे हो, आज मैंने ऐसी कैजुअल टी शर्ट डाली हुई है और सामान फैला हुआ है, चाय हमने पी ली और देखते हैं क्या क्या है। एक बैग मेरा और मम्मी का, सिर्फ एक बैग है, दोनों के कपड़े आ गए भाई 4-5 दिन के लिए, ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग गए हुए थे मॉल रोड, तो ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं वहाँ पे मुझे, सब जगह घूमने के बाद में शॉपिंग करने में कोई मज़ा नहीं आया, तो शॉपिंग तो करी नहीं है। ये टी शर्ट ठीक लगी थी, ये मैंने ले ली है। चलो चलते हैं, अब ब्रेकफास्ट करके आते हैं। बंद कर देता हूँ पहले सारे, भाई लॉक है कि नहीं है, ये लॉक हो रखा है। मोबाइल ले लिया, दूसरा मोबाइल ले लिया, चार्जर रख लो भाई,
चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। हम लोग करने आए ब्रेकफास्ट। मैंने लिया है छोले पूड़ी आलू मिक्स सब्जी इडली सांभर पराठा वर्मिसेली दलिया एग्स एग वाइट ऑमलेट दो ऑमलेट चार एग दो ब्रेड एक जूस हेल्दी वाला। तुम्हें कुछ चाहिए होता है? ये होटल का रिसेप्शन एरिया। पहाड़ पीछे यहाँ पे माउंटेन्स का व्यू वाओ। माउंटेन्स ये होटल में बाहर का बाहर की जगह है। ये लाउंज टाइप है स्काई लाउंज फोटो सेशन। चलें अब। अरे फिर मैं क्या करूं चलो तो फिर जा रहे हैं। अभी गाड़ी खड़ी है हमारी बाहर। इतने ट्रैफिक के बीच में देखिए कितनी नहीं चाहिए बहुत नीचे बहुत ट्रैफिक अरे यहाँ पे वहाँ तक गिरे हुए कोई नहीं रुक रहा क्या जो आपको चाहिए ना वो नैनीताल में मिल जाएगा। मंगल बाजार लग रहा जाए तो जो कह रहे हैं जय बाजार हो मैं बात चाहिए रहा हूँ तुमने ना देखी ये अगर वहाँ पे नहीं लगता है अपने जाए ऐसे सेम यही कंडीशन से मंगल बाजार में बढ़िया मंगल बाजार सुधरने वाला है ऐसा ही बन जाएगा। बहुत कंजेस्टेड रोडों के बीच में से ये मिल गया। वो किसी कह रहा था वो वन वे उधर वाला और ये वाला नीचे आके कल गए का है वो वही एक ही रोड है ये माल रोड आ गए। अरे माल रोड क्रॉस करके आ गए ना हम लोग तो ये देहरादून जा रहा सीधा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं इसे। गाड़ियों का मेला यहाँ पे किसी को सस्ती महंगी सब गाड़ी खरीदनी है खरीद लो मेला लग रहा है यहाँ पे इतना तो काश कोई कैमरा ऐसा होता जो आंख देख पा रही है वो चीज देख पाता। ये है गोपाल तू कर ले मैंने कर रहा भाई हम नहीं देख हम तो देख पा रहे हैं मगर कैमरे में बिल्कुल कैप्चर नहीं हो रहा है ऐसे नहीं हो पा रहा क्यों नहीं लगा रहा है। अरे कुछ नहीं दिख रहा किसी के भी मोबाइल में ये कोई नहीं ये अब ना दिख रहा तो मैं वीडियो चलाएंगे जब दिख रहा हूं और नहीं जाती है तो देख लियो। हां सही बात कह रहे हैं एक्सपीरियंस है वीडियो बनाने का भी एक्सपीरियंस है ना। क्या एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज पूछना पड़ेगा। अब की होती है बार से करते रहे सो क्यों मजा आ रहा है अगली बार से जब यार जब भी कितने मजे आए ये हंसी बात लिया बिल्कुल तो आप से ऊपर से वो गाड़ी आई थी जो ओ भाई ये
यहाँ पे वो तो ज्यादा चलते हैं ना लोग, तो बादल नहीं है, नहीं तो बादलों को पकड़ के खा रहे होते लोग आइसक्रीम की तरह। ये वीडियो ही बना लेंगे, सब कर लेंगे काम, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड जैसे कश्मीर में होती है ना पेड़ों के ऊपर, ये चीज़ मुझे धक्का मत देना, कांच को लाओ उधर, कांच बंद कर ले। हाँ कर लिया, आप करा है। मजे मजे, अरे अब नहीं वो धक्का। हार्ले डेविडसन है भाई साहब, कितने की भर्ती होगी? 18 लाख की तो आती होगी। वीकेंड पे बहुत जाम रहता है यहाँ पे। ओ भाई क्यों बना रहे हो भाई? अरे सहस्त्र धारा क्यों बोलते हैं उसे? सहस्त्र धारा यही है क्या? सहस्त्र धारा इसमें बट पानी तो आ ही नहीं रहा, फिर क्या करेंगे? बहुत थोड़ा पानी भी चल रहा है, ये तो बाण गंगा की तरह। नहीं नहीं सहस्त्र धारा यही है, यहीं से पानी आता है, बट अभी पानी है नहीं यहाँ पे। पहले जब हम एक बार देहरादून आए थे ना, तब आए थे, इसमें पानी चल रहा था भयंकर ठंडा, बारिश के टाइम में। दिखाते हैं वीडियो वगैरह में ये लोग सहस्त्र गंगा, यहाँ यहाँ पे हाथ पैर वगैरह लोग धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। खाली पड़ा है भैया आज तो। चाचा ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश सीधा ऋषिकेश। चाचा बढ़िया जानते हैं। जब हम पहले आए थे ना तो इस वाले रोड से आए थे, दोनों तरफ जो है, और यहाँ पे ना वार्निंग भी लिखी हुई है आगे कहीं, ये प्लीज डू नॉट, नहीं नहीं आगे है कि कोई भी आ सकता है यहाँ से, जानवर जानवर जो है आगे से जानवर आ सकता है। चंडीगढ़ से आए हुए गाड़ी, अब ऋषि को ऋषि केस में एंटर कर रहे हैं। देखो देवभूमि यहाँ लिखा आ गया। भैया का हाथ आ रहा है, भैया दूर करो अपना, हेमकुंड साहिब बीच में आता है। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम लोग हैं ऋषिकेश में और ये है छोटा सा रूम ऋषिकेश के अंदर, बिल्कुल गंगा किनारे, और यहाँ से गंगा जी की डिस्टेंस जो है मुश्किल से 600-700 मीटर है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी टेरेस पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। बाय द वे ऋषिकेश की वीडियो मैं इसलिए इस बार नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने डाल दिए पहले ही, तो जिसने भी नहीं देखी है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। और छोटा सा मैं क्लिप जरूर डालूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ का माहौल कैसा रहा है। वाओ ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस से कि गंगा जी कितने पास है, और हाइडवे बेड्स ये होटल है, और बहुत ही शानदार यहाँ का खाना वाना सब कुछ स्टाफ, और बालकनी का छोटी सी बालकनी भी यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लॉक, यहाँ पर धूप सेकने के लिए बाहर जाके, इधर तो जंगल टाइप है पूरा। तो ये दो रूम हमने लिए हैं, एक साइड में भी है, तो ये बालकनी अटैच है यहाँ से। इतने पास है भाई, फिफ्थ फ्लोर होटल का। बाकी हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट में देखते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा जाना हो रहा है, तो वहाँ पे भी रिसॉर्ट है, तो
देखते हैं, पता चलेगा कि किस तरह का वहाँ का माहौल रहता है। आई एम श्योर मज़ा आने वाला है। जंगल सफारी का भी प्लान है। और मसूरी में कैंटी फॉल हम इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। अगर हम वहाँ पे, हमें निकलना था, अगर हम वहाँ पे जाते तो रात तक नहीं निकल पाते क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए। चलिए फिर आपको मिलते हैं जिम कॉर्बेट में।